नमस्कार दोस्तों, मैं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लाया हूँ राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में हम अध्ययन करेंगे जल दुर्ग का। दोस्तों, दुर्ग आपके 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है गिरी दुर्ग, दूसरा है जल दुर्ग, तीसरा है स्थल दुर्ग या मही दुर्ग, चौथा है वन दुर्ग, पाँचवा है धानवन दुर्ग या मरुस्थल पर बनने वाले दुर्ग, और छठा है पारिख दुर्ग यानी खाई पर बनने वाले दुर्ग। हम अध्ययन करेंगे गागरौन दुर्ग, जो कि जल दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, गागरौन दुर्ग मुकुंदरा की पहाड़ी पर निर्मित है। अब ये देख सकते हैं, ये मुकुंदरा की पहाड़ी है, उसके ऊपर बना हुआ है गागरौन दुर्ग। और ये हम देख सकते हैं, ये झालावाड़ में बना हुआ है गागरौन दुर्ग, जिस पर हाड़ोती, मेवाड़, गुजरात और मालवा इन सभी का प्रभाव होने के कारण इसका सामरिक महत्व था। गागरौन दुर्ग का निर्माण डोड परमार राजपूतों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और खिची राजवंश के संस्थापक थे देवन सिंह। उन्होंने 12वीं शताब्दी में इन गागरौन दुर्ग को जीता था और उसका नाम गागरौन रखा था। ये गागरौन दुर्ग झालावाड़ में सोमल जी नामक स्थान पर आया हुआ है, जो कि काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है, जिसके एक ओर काली सिंध नदी और दूसरी ओर आहू नदी है। गागरौन दुर्ग का नाम देवन सिंह के द्वारा रखा गया था, जो कि खिची राजवंश के संस्थापक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खिची राजवंश का संबंध या खिची राजपूतों का संबंध किस दुर्ग से है, या फिर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कौन सी मुकुंदरा पहाड़ी पर बनने वाले दुर्ग का नाम बताओ, या फिर गागरौन दुर्ग इन दो नदियों के संगम पर स्थित है, या फिर कहा जा सकता है कि महान शासक जेत सिंह का संबंध किससे था, या फिर संत पीपा का संबंध किससे था, अचलदास खिची का संबंध कौन से जिले में स्थित दुर्ग से था। अब आते हैं जेत सिंह। दोस्तों, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के पश्चात गागरौन के किले पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ के शासक थे जेत सिंह। जेत सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी जेत सिंह को पराजित नहीं कर पाए थे, और जेत सिंह इसमें यानी कि जेत सिंह को इसमें हरा नहीं पाए थे। अब उसके बाद में आता है संत पीपा। संत पीपा कड़ावा राव खिची के बेटे थे। संत पीपा गागरौन के ही राजा थे, और उनकी पत्नी थी सीता देवी। उन्होंने इन दोनों के दोनों पति पत्नी ने, मतलब संत पीपा और उनकी पत्नी सीता देवी ने मिलकर संत रामानंद जी के पास काशी में जाकर उन्होंने वैष्णव धर्म के अंगीकार कर लिया था। ये संत पीपा, जो कि आरएस मेंस में आ चुका है, संत पीपा निर्गुण भक्ति के संत थे। उन्होंने शक्ति की उपासना को छोड़कर निर्गुण भक्ति को अपनाया था। संत पीपा की छतरी तो बनी हुई है गागरौन दुर्ग में। संत पीपा ने अपना अंतिम समय बिताया था टोंक में। संत एक पीपा गुफा बनी हुई है वहाँ पर, जो संत पीपा की गुफा कहलाती है, और इनका महत्वपूर्ण मंदिर बना हुआ है बाड़मेर जिले के समदड़ी नामक ग्राम में। तो दोस्तों, संत पीपा का मंदिर तो है समदड़ी में, संत पीपा की गुफा है टोंक में, संत पीपा की छतरी है गागरौन दुर्ग में। इन संत पीपा ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम है चिंता वाणी जोग। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले समय में पूछ ले, जैसे जो रामदेव जी थे लोक देवता, उन्होंने भी 24 बणिया नामक किताब लिखी थी, तो इसी तरह संत पीपा ने भी चिंतामणि जोग नामक किताब लिखी थी। अब दोस्तों, हम देख सकते हैं कि गागरौन दुर्ग में क्या क्या बना हुआ है। एक तो मधुसूदन मंदिर है, जिसका निर्माण किया था दुर्जन साल हाडा ने। मधुसूदन मंदिर का निर्माण, ये आप मंदिर देख सकते हैं, इसका मंदिर का निर्माण किया था दुर्जन साल हाडा के द्वारा, ये गागरौन दुर्ग में ही बना हुआ है। कोटा सिक्कों को ढालने की टकसाल गागरौन दुर्ग में बनी हुई है। दोस्तों, कोटा सिक्के सभी हैं वो गागरौन दुर्ग में ही ढाले जाते थे। संत हमीदुद्दीन चिश्ती थे, जो कि खुरासान से सीधे गागरौन झालावाड़ में आए थे और यहीं पर आकर बस गए थे, और यहीं पर इनका देहांत हुआ था, और इनको मीठे शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो
संत हिमोदिनियन चिश्ती की दरगाह या मीठे शाह की दरगाह गागरौन दुर्ग में बनी हुई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब ये बहुत ही एक चौड़ा एक जालिम कोट बना हुआ है जो राजा जालिम सिंह के द्वारा बनाया गया था। अब 1303 में हम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जय सिंह के ऊपर आक्रमण किया था और जय सिंह को वो हरा नहीं पाए थे। अब दुर्ग के प्रमुख शाखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1423 में मांडू के सुल्तान होशंग शाह, जिसका दूसरा नाम अल्प खां भी था, 1423 में मांडू के सुल्तान होशंग शाह, जिसका दूसरा नाम अल्प खां भी था, इन्होंने भोज के बेटे थे अचल दास खीसी, जो इस समय गागरौन के राजा थे, उनके ऊपर आक्रमण किया था और उनकी रानी उमा दे भी ने भी जौहर कर दिया था और अचल दास खीसी को वीर गति प्राप्त हुई थी। दोस्तों इस जो युद्ध का वर्णन है वो शिवदास गार्डन करते हैं। शिवदास गार्डन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है अचल दास खीची रिवचनिका। ये अचला खिची का संबंध गागरौन दुर्ग के साथ था। 1423 में प्रथम शाखा हुआ था इस दुर्ग में, उस समय आक्रमण किया था मांडू के सुल्तान होशंग शाह, जिसका दूसरा नाम अल्प खां भी था। अब आता है 1444 में दूसरा शाखा हुआ था, इसमें भी मांडू और मांडू। दोस्तों मांडू और मांडू क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि मालवा का जो दुर्ग है वो इसके जस्ट नीचे ही स्थित है। आप ये देख सकते हैं ये मालवा है जस्ट इसके नीचे, क्योंकि सामरिक महत्व था मालवा और मांडू का, इसलिए यहाँ के सुल्तानी विजय प्राप्त करने के लिए गागरौन दुर्ग पर आक्रमण करते थे। तो 1444 में मांडू का सुल्तान था मोहम्मद खिलजी प्रथम, उन्होंने अचल दास खीची के पुत्र थे पालहंसी के ऊपर आक्रमण किया था, और जिसमें मोहम्मद खिलजी प्रथम की विजय हुई थी और उसके पश्चात उन्होंने दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रख दिया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1423 उसके समय होशंग शाह ने आक्रमण किया था अचल दास खीची के ऊपर, और ये वर्णन मिलता है शिवदास गार्डन की लिखी हुई किताब अचल दास खीची की वचनिका पर। 1444 में मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम के ने आक्रमण किया था पालनसी पर, और उसके बाद में दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रख दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गागरौन दुर्ग आहू और कालीसिंध नदी के ऊपर बना हुआ संगम पर है और इसका निर्माण डोड या परमान राजपूतों के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण दुर्ग का वर्णन हम देखेंगे। आप हमारे नवीनतम वीडियो को जल्द ही प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि नवीनतम वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। आप इसको अपने इसका अध्ययन भी कर सकते हैं, जिससे कि चित्रों के माध्यम से आप इसको जल्दी याद कर सके। मैं आपके लिए हर दुर्ग से संबंधित चित्रों के माध्यम से समझाने का आपके लिए प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।